हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इट विल बी अबाउट एडजेक्टिव पार्ट सेकंड। कल हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के सभी पार्ट। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, कल हमने पढ़े थे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के पार्ट, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के 9 पार्ट। ओके गाइस, सबसे पहला है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, ये आपने हमने पढ़े भी थे लास्ट टाइम। तो ये है ए, एन और द। एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ ए लायन, मैंने एक शेर देखा। ए, ये क्या है? ए लगता है कंसोनेंट के साथ, एन लगता है वोवल्स के साथ। जिसने भी मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाके इनके बारे में पढ़ सकता है डिटरमिनर्स में, मैंने वहां पे ये पूरी तरह एक्सप्लेन किया था। तो आई सॉ ए लायन, ए लग गया क्योंकि ये एल क्या है, एक कंसोनेंट है। आई हैड एन एलिफेंट, ई क्या है, एक वोवल है। ए आई ई ओ यू क्या होते हैं? वोवल्स। बाकी बचे कॉन्सोनेंट्स। तो जो ए लगता है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है और जो एन लगता है वो वोवल्स के साथ लगता है। ओके गाइस, थर्ड एग्जांपल है द लॉयन वाज बिग। जो लॉयन है वो क्या है? बिग। द लगता है कोई स्पेसिफिक थिंग के लिए। अब ये देखो, ये है सा एंड ए लॉयन, आई हैड एन एलिफेंट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन। डेफिनेट कौन सा है? द, क्योंकि ये निश्चितता को प्रदर्शित करता है कि ये निश्चित है। द लॉयन वॉज बिग, जो लॉयन है वो क्या है? बड़ा है। ये इसकी विशेषता बताता है और ये क्या है? स्पेसिफिक है। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा? डेफिनेट आर्टिकल। और ए एन और ए और एन, आई सॉ ए लॉयन, मैंने नहीं कहा कि मैंने कैसा शेर था, मैंने उसकी कोई क्वालिटी नहीं बताई, मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैंने एक शेर देखा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई हैड एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी है, मैंने उसकी कोई विशेषता नहीं बताई, वो किस प्रकार का है, उसका कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, वो मोटा है पतला है कैसा भी है, मैंने उसकी कोई भी विशेषता नहीं बताई है। तो ये क्या हमारा? इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। ओके गाइस, सो सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े थे हमने, अब पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। वही होते हैं सेम ही, माय, योर, हिज, हर और देयर, इट्स। एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज योर फोन, ये तुम्हारा फोन है। ठीक है, इट्स टीथ आर वेरी शार्प, उसके जो दांत है वो क्या है? बहुत ही तीखे हैं। इट्स आ गया। वी बिगन अवर वर्क एट नून, हम अपना जो कार्य है वो नून में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी बिगन अवर वर्क एट नून। देयर हाउस नियर द सिटी, उनका जो घर है वह सिटी के नजदीक है। तो ये क्या है हमारे सारे? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके गाइस, नेक्स्ट वन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, प्लस इनके साथ जो नाउन के साथ जब ये आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है कि ये किसी की ओर संकेत करते हैं, हमने पढ़ा था ना, जो जेस्चर्स के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं हमारे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज माई बाइसाइकिल, यह है मेरा साइकिल है। That is Peter's house, यह पीटर का हाउस है। These are her clothes, ये clothes उसके हैं। Those are migrating birds, वो क्या है? Migrating पक्षी हैं। Such words अगर noun के साथ हो तो, like ये वाले this, that, these, those, अगर noun के साथ होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? Adjective। अगर नहीं होते तो ये क्या होते हैं? Pronoun का काम करते हैं। Like that lion was scary, जो lion है वो क्या है? स्कैरी, डरा हुआ था। ठीक है, दैट आ गया, ये लॉयन नाउन आ गया, नाउन के साथ दैट लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, फोर्थ वन है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट कौन से होते हैं? जो निश्चित नहीं होते, लाइक ईच, मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, इनफ, जो जितने भी हम पढ़ते हैं वो सारे क्या है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं।
इंडेफिनेट प्रोनाउन भी होते हैं, हमने वे भी पढ़े थे। लाइक इनका बस ये नाउन की जो विशेषता बताती है, ये भी इनके नाउन के साथ ही लगते हैं, ठीक है। लाइक देर वर ए फ्यू पीपल, यहाँ पे कुछ लोग हैं। इंडेफिनेट क्यों? क्योंकि ये निश्चित नहीं है, फ्यू लोग हैं, हमें नहीं पता दो हैं, चार हैं, सात हैं, डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, इंडेफिनेट वर्ड्स माने जाते हैं। ईच पार्टिसिपेंट गोट एन अवार्ड इन द कॉम्पिटिशन, प्रत्येक पार्टिसिपेंट था उसने क्या है, एक इनाम जीता इस कंपटीशन में, ठीक है। द मूवी इज नॉट मच एंटरटेनिंग, जो मूवी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ओके, मच आ गया, इफ यू आ गया, ईच आ गया, मच आ गया, अभी ये क्या, एनी, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो ये जितने भी सारे वर्ड है, ईच, मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, इनफ, ये क्या है, सारे इंडेफिनेट वर्ड्स है। यहाँ पे इंडेफिनेट एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के साथ लगे, ये पार्टिसिपेंट नाउन हो गया, पीपल नाउन हो गया, एंटरटेनिंग नाउन हो गया, आइडिया नाउन हो गया, तो ये नाउन के साथ लगे, तो इसलिए ये क्या बन गए, अपने एडजेक्टिव्स। ओके गाइस, नेक्स्ट मूव ऑन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क, जो जितने भी क्वेश्चन वाले होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन की ओर संकेत करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, लाइक व्हाट, विच, व्हाई, हूज, जितने भी हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं, व्हाट कलर आर योर आईज, तुम्हारी कलर का, तुम्हारी आईज का कलर क्या है, हूज इज दिस कार, ये किसकी है कार, विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, व्हाई यू डोंट लाइक दिस, तुम इसे क्यों नहीं पसंद करते। ओके गाइज, ये हमारे सारे क्या हो गए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर का मतलब हो गया कोई स्पेसिफिक, प्रॉपर से ही अंदाजा लगा सकते कि प्रॉपर हो गया। लाइक ये होता है ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, लाइक किसी उसके स्थान से संबोधित किया जाता है, ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन के साथ लगता है किसी, लाइक एक कैपिटल, जैसे इटालियन फूड। अब इटालियन फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इटली में बना हुआ, इसलिए उसे इटालियन फूड बोला जाता है। इसलिए क्या हो गया, ये सारे जो वर्ड्स कैपिटलाइज्ड होते हैं उनके साथ जो भी लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके गाइज, अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो चाइनीज फूड, क्योंकि ये चाइना में बना है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, चाइनीज फूड। इंडियन फूड, इंडिया में बना है, इंडियन गर्ल, इंडियन गर्ल होगी, भारत की लड़की होगी, इंडियन फूड हो गया, चाइनीज फूड हो गया, इटालियन फूड हो गया, जितने भी लाइक अपने कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, जो भी वो स्पेसिफिक थिंग्स हो सकती हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस हो सकती हैं, स्पेसिफिक फूड हो सकता है, थिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। ओके, ही लिव्स इन रशिया, वह रशिया में रहता है, रशिया क्या हो गया, उसके कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। ही हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। शी ईट्स जैपनीज फूड, वह जैपनीज फूड खाती है। रोमन आर्किटेक्चर इज ब्यूटीफुल, जो रोमन का आर्किटेक्चर है वो क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये कैपिटलाइज हो गया। आई लव टू ईट इंग्लिश मफिन्स, मुझे इंग्लिश मफिन्स खाना बहुत पसंद है। ओके, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे एग्जाम्पल्स होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स के। नेक्स्ट वन है कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल क्या होते हैं, जो मॉडिफाई द नाउन बाय नंबरिंग, जो क्या है, नाउन को मॉडिफाई करते हैं बाय नंबर से, लाइक 4, 10,000। लाइक नाउन किस टाइप का है, कितनी संख्या है नाउन की, या कुछ भी। ओके, एग्जाम्पल्स है 6 books, 5 pens, 1 man, ये बुक्स, पेन, मैन, पीपल, ये हमारे सारे क्या है, नाउन। नाउन कितने हैं, लाइक 6 books है, बुक्स कितनी है, 6 हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। पेन कितने हैं, 5, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव। मैन हो गया 1,000 people, हजारों लोग। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वन इज है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल वर्ड्स कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया ना, ये सारे क्या हमारे होते हैं, ऑर्डिनल वर्ड्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लो, द फर्स्ट डे, पहला दिन हो गया। मैनी वॉज द 23rd state एडमिटेड टू द यूनियन, ये हमारा 23rd क्या हो गया, हमारा एक ऑर्डिनल वर्ड हो गया। तो इसलिए क्या, ये क्या, किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव का। आप ये वर्ड कहीं भी देखो, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वो हमारे क्या होंगे, सभी ऑर्डिनल वर्ड्स होंगे, ठीक है, ये याद रखना। और वो नाउन के साथ हो तो हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे, अदरवाइज वो हमने क्या पढ़े थे, डिटर्मिनर्स पढ़े थे, उसमें भी थे ना ये सभी। ओके, ये सेम ही होते हैं। ही हैज ए सेकंड वाइफ, उसके पास क्या है, एक दूसरी पत्नी है।
तो नाइन्थ वन है, लास्ट है बट नो लिस्ट, नाउन यूज्ड एड एज एडजेक्टिव, कि जो नाउन है वो क्या है, एज एडजेक्टिव का काम करता है। हमने कई सेंटेंस ऐसे देखे होंगे जिनमें दो नाउन होते हैं, तीन नाउन होते हैं, तो एक नाउन में से एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल से आप समझ आओगे, ए हिंदू टीचर, ए हिंदी टीचर, सॉरी हिंदी क्या है हमारा, एक हिंदी भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, लेकिन ये अब यहाँ पे टीचर नाउन है तो ये हिंदी किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। टीचर किसका है, हिंदी का। तो लाइक ये टीचर की विशेषता क्या है कि वह एक हिंदी का टीचर है, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन था बुक फेयर, अब फेयर भी नाउन है, बुक भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे बुक क्या किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। तो ये सम नाउन्स होते हैं जो एज ए एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। एक क्रिकेट बैट, ये दोनों नाउन है लेकिन यहाँ पे बैट, बैट किसका है, किसके लिए है, क्रिकेट के लिए है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव, सम क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं आप यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, वो आपने पढ़े भी होंगे, मतलब एक न्यूज़पेपर में, बुक्स में, कहीं भी पढ़े होंगे आपके, ठीक है। ये होते हैं मेकअप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो क्या है, दो या दो से ज्यादा वर्डों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे उसे बनते हैं, ये इन्हें क्या बोलते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। लाइक नैरो माइंडेड, आपने ऐसा हाइफन देखा होगा, जो हाइफन लग के इसे एक ही वर्ड माना जाता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। नैरो माइंडेड, हाईली रिस्पेक्टेड, मिडल एज्ड, टाइम सेविंग, गुड लुकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग, स्मोक फ्री, फुल लेंथ, फैट फ्री, एटसेट्रा। ये जितने भी इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। सो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्रीज जो एडजेक्टिव के साथ लगाई जाती हैं, उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much.